अब बताओ मुझे क्या क्या दिखा पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में आपको। पहले सर एक तो ये जो बैक पेन थी ना, ये बहुत ज्यादा थी। अच्छा, अब थोड़ा ठीक है, पहले से बहुत बेटर लगभग कितने प्रतिशत ठीक लग रहा है आप? है। 80% ठीक है पहले से। अच्छा, और जो जैसे पहले खिंचाव होता था, कुछ भी कोई भी एक्सरसाइज करने बहुत खिंचाव होता था पहले, अब बड़ा ठीक स्मूथली है। कर पा रहा हूँ। सभी जो पहले मांसपेशी के बारे थी में बहुत ज्यादा जकड़न थी, लेकिन आज उनमें जकड़न नहीं है, आज वो ठीक है, मतलब उनको स्मूथली कर सकता हूँ। ठीक है। और जो क्रैम्प आते थे उनमें कितने कम हो गए? आप पहले वज्रासन में बैठ नहीं पाते थे। मैं वज्रासन तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता था, हाँ, आज वज्रासन मैं कर पा रहा हूँ, और मैं 90% बिल्कुल 15-20 मिनट आधा घंटा तक बैठ सकता हूँ। वज्रासन में बैठ सकते हो। पहले मैंने जो देखा है आपको कि आप बस वज्रासन में बैठते थे और क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते थे पैरों में। मैं पहले बैठ ही नहीं सकता था सर, जोर लगे 1 मिनट या 2 मिनट तक बैठ सकता था, बड़ी हाँ, अब हम मुश्किल से 15-20 मिनट वज्रासन में आराम से बैठ पा रहे हैं, ये आराम भी से बैठ स्थिति में सकता अंतर आया है। जी। बिल्कुल। और मन की स्थिति में क्या बदलाव आया है आपके, जैसे पहले की थिंकिंग और आज की थिंकिंग में क्या लगता है? जैसे पहले मेरे को जैसे बीपी की प्रॉब्लम के जैसे गुस्सा बहुत आता था, अब अच्छा, जैसे मेडिटेशन हो रहा है तो गुस्सा तो मतलब कि ऐसे कि कम होता जा रहा है, वेरी गुड। उससे बहुत फर्क है। सबसे मेन तो गुस्सा था, अच्छा, बड़ा ड्यूटी के दौरान बड़ा गुस्सा होता था, लेकिन अब बहुत फर्क है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है बस चलो, जो है। बहुत बढ़िया, गुस्से में कंट्रोल आ गया है। और जैसे पहले मुझे जो लगता है कि पहले अगर कोई चीज आती थी, जैसे मतलब चीज यानी कि खुद के शारीरिक स्थिति की, क्योंकि आप ऐसे गुजरे हो शरीर की स्थिति से, जैसे कभी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाया, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कभी शुगर की समस्या आ गई, तो शरीर को लेकर जो डर था, मतलब कि थोड़ा सा बैक पेन हो गया तो मैं डर जाता था कि यार अब क्या हो गया, है ना, मैं किस ये स्थिति सोचता में था थे। कुछ हो गया तो शायद कुछ हो ना जाए। हाँ, ये जो डर थे अलग अलग, अब उनमें लड़ने की क्षमता है मेरे पास। मैं शुगर को, मैं ब्लड प्रेशर को, या मैं कमर दर्द को कुछ नहीं मानता हूं, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं उसे ठीक कर सकता हूं। और मैं वेट भी मैं 88 के करीब बताया था मैंने उसको, लेकिन अब वो 81 अच्छा, मतलब 7-8 किलो कम हो गया है। है, 7 किलो कम हो, चलो, अच्छा, ये तो मुझे पहली बार पता चला, मुझे नहीं पता 7 किलो था। कम हो गए। मैं 2-3 दिन से मैं ट्राई करा था वेट, अलग अलग मशीन पे वेट किया, हाँ, इसी में तो वही 200-400 ग्राम का फर्क है, लेकिन 81 पे है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है फिर तो। और हाँ, हमारी मैं हाइट डॉक्टर कितनी है? जी, मैं डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब बोले 2-1 और करते हैं ठीक हो जाएगा बिल्कुल, मैं बहुत ठीक हूँ। बढ़िया, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। अरे, अभी हाइट कितनी हमारी? ठीक, हाइट आई 6'2", 6'2", 12 5 62, 72 और 74, और अभी कितना? 81 है। 81। चलो, अभी 81 से भी लगभग मेरे हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से 2 किलो कम करना है, मेरे हिसाब से 5 किलो और करना है, तो बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ये मान लो 25 साल की युवा तो वैसे भी अभी लग रहे हो, एक तो आपका आर्मी कट और बॉडी का जो फिजिक बता रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, मैंने बहुत सुबह ही मैं कहा। कहता हूँ कि आपकी उससे बहुत चेंजमेंट आई होगा, सिर्फ मैं बहुत बहुत ज्यादा चेंजमेंट है, मैं तो बच गया। नहीं, बहुत बढ़िया काम होगा। योगा तो जितनी मैं ही सोचे, जितना योगा करेंगे उतनी बचेंगे, अच्छा, इससे पहले बहुत। योगा के लिए, जैसे पहले हम योगा, मतलब जो आपने सोच रखा होगा योगा के लिए, कि योगा मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज का एक हिस्सा माना हुआ था, तो आज जब आप मुझे मेरे साथ योग कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है, योग मतलब बस एक्सरसाइज है या क्या है? नहीं, योग तो सब कुछ है, योग से ही तो जीवन है। पहले तो ये थे कि योग करते थे ना ऐसे बस, ठीक है भी ऐसे कर रहे, नॉर्मल एक्सरसाइज है, ठीक, लेकिन योग से तो पता है कि ये तो वाकई में ही जीवन है, ठीक है, योग बिना नहीं है कुछ भी, योग बिना कुछ नहीं है, ये बाहर की वजह नहीं, अंदर से ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सरसाइज एक लेवल पे आके रुक जाती है, योग आपके मन की स्थिति को और शरीर की स्थिति को दोनों को भी ठीक करने में मदद करता अगर बाहर से तो एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन है। जो अंदर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझना। देखो, कर तो सारे ही रही है, लेकिन जब हमारी मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा तो अपने आप शरीर पे वो दिखाई देने लगेगा। जितना मन पे कोई बोझ नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश है, सुबह फ्रेश उठते हैं जैसे, और दिन में कोई किसी कोई वो नहीं है कि टेंशन है, कुछ स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं, अच्छा। जितना योग कर। सबसे पहले अगर याद रहा होगा तो मैंने आपसे पूछा था कि आप ड्यूटी जाते हो सुबह उठकर, उस समय आपका जवाब यह था कि मैं जाता तो हूं लेकिन एक बंधन में हूं, मतलब मजबूरी है इसलिए जा रहा हूं उस ड्यूटी के लिए। अब आप ड्यूटी जा रहे हो, अब किस ऊर्जा से जा रहे हो आप जब ड्यूटी जाते हो तो? मैं बिल्कुल फ्रेश रिलैक्स हो गया रहता हूँ, कोई कोई बंधन कुछ नहीं है, मतलब अब कुछ मेरी बंधन जिंदगी नहीं है वो। ऐसे जा रहा है, मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरा काम है। बिल्कुल, अब फ्रेश माइंड है, अब कोई प्रेशर नहीं है कि अब जाना ही जाना है, अब मेरा मन है, मेरा शरीर साथ दे रहा है, मैं इसलिए फ्रेश माइंड से अपनी दिनचर्या के एक हिस्सा बन गई है वो, पहले वो प्रेशर का हिस्सा थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये सुनकर मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे बदलाव, मतलब होते तो सब में है जो प्रतिदिन योग करेगा। मैं रियल में इतने बदलाव हो गए, मैं कुछ हाँ करता हूँ जैसे पहले कहीं बैठते थे तो हर छोटी कोई गलत करता था सोचता तो गुस्सा आ गया यार, ये गलत क्यों ठीक करा, कोई स्ट्रेस नहीं अभी ठीक है अपना मन है, ठीक है, ये उससे क्या लेना भी अपना ठीक है। एक सेकंड बस। तो प्रतिदिन पहली बात तो मतलब ये बदलाव तो सब में आएंगे जो भी योग करेगा, लेकिन वो बदलाव दिखाई देने चाहिए, मतलब सामने अगर जब खुद में हो रहे और मैं उसे देखूं नहीं तो वो बदलाव का को कोई फायदा नहीं होता है। अब मुझे सारे बदलाव दिखाई देते, ये महत्वपूर्ण है सबसे पहले। पहले मैं कोशिश करता था जैसे योग के भी कई बार सोचते थे ना भाई यार इतना स्ट्रेस है यार इतना जोर लगता है छोड़ना, लेकिन हाँ अब पता है योग तो करना है, बस उसके पैसे आए, बड़ा जी सा आ रहा है, तो अच्छा कहते हैं इतनी बड़े जी बड़ा बड़ा मन लग रहा है, अब योग करने बड़ा मन लगता है, अब सोचता है कि योग करते रहे बस ठीक है। मतलब ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि जैसे पहले ना जो छुट्टी होती है, अभी छुट्टी मारने का प्रमाण बिल्कुल कम होता जा रहा है जितना हो सके, जैसे अभी आप कहीं बाहर आए हुए हो तब भी वे आप ज्वाइन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात कि मैं कहीं बाहर टूर पे हो या ट्रेवलिंग पे हो तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे ज्वाइन करना है, तो उसमें मजा आने लग गया है, सबसे बड़ी बात। तो इस चीज को समझना कि ये जो मजा आ रहा है इसे मैं कैसे कंटिन्यू रखूं। अच्छा, सुबह उठने की स्थिति में क्या बदलाव आया है अब आपके? सुबह उठने की स्थिति, पहले उठते जरूर थे, ऐसा नहीं था कि उठता नहीं था, पहले भी उठते थे। पहले तो 6 साढ़े 6 बजे उठता था जी, हाँ अब मेरा रूटीन क्या 4:30 उठना, अच्छा टाइम में कहीं हूं तो 4:30 सुबह उठता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। और उसके कारण, सुबह उठने के कारण जो जैसे किसी को मल त्याग करने में समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, एक तो आप ट्रेवलिंग में रहते हो तो ऐसा भी कुछ इश्यू लग रहा था तब उस समय, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का? अब ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम, अब तो सुबह उठता हूँ जैसे 4:30 हाँ उठता हूँ गर्म पानी का गिलास लेने के बाद, तो मैं तुरंत 5 मिनट बाद फ्रेश हो जाता हूँ बिल्कुल, अच्छा, और पहले का क्या था? और कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मान ले उठा 6 बजे सोचे पानी पीऊंगा, फिर बैठे अखबार पढ़े चाय पी प्राणा, फिर ऐसे चलता रहता था रूटीन, अब रूटीन में काम हाँ है उठते ही पानी पीना है, फ्रेश होना है बिल्कुल फ्रेश, फिर सोचे भी योगा करना है बस चलो। मतलब एक योग से 1 घंटा देने से आपके दिनचर्या में इतने सारे बदलाव आ गए उसके कारण। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि मान ले मेरे को 2 मिनट मिले मैं कहीं बाहर आके एकांत में जाऊँ कहीं और 2-4 दिन योग करूँ बैठ के, उससे बहुत क्या ही बढ़िया, फायदा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेडिटेशन करूँ और योग करूँ तो ज्यादा बेस्ट है। चलो बहुत बढ़िया, ये सकारात्मक बदलाव आने बहुत जरूरी थे और बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। चलो फिर, ये रील में तभी तो मैं आपको बोल रहा था कि मैं 1 हफ्ते के लिए वहां आऊंगा, मेरा ये था कि बिल्कुल मन बिल्कुल के साथ के लिए भी योग करना है बस, बहुत बिल्कुल, स्वागत है, कभी भी आ जाओ। चल करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, आंखें बंद रहेगी और करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।